बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत बिना किसी से कुछ कहे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद शुरू हुआ हंगामा अब बढ़ता ही जा रहा है। इस जंग में अब तो रिया और सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे बॉलीवुड की इस हसीना की पोल खोल रही है। बीते दिन ही अंकिता ने रिया के बयान को कोरा झूठा बता दिया। इसी बीच रिया ने इस बार फिर से अंकिता पर हमला बोल दिया है। अपने इंटरव्यू में रिया ने आरोप लगाया, अंकिता लोखंडे ने पहले तो सुशांत सिंह राजपूत से सगाई करके अपना रिश्ता तोड़ लिया और सुशांत सिंह राजपूत के मर जाने के बाद वो उसकी विधवा बनने की कोशिश कर रही है। रिया आगे कहती है, सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के फ्लैट की ईएमआई भर रहा था। फ्लैट में सुशांत ने 3 से 4 करोड़ रुपए दिए थे, वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि अंकिता लोखंडे बहुत कुछ बातें छिपा रही है। अंकिता लोखंडे सुशांत के घर में रहती थी, जहां पर इन दोनों का एक दोस्त भी साथ रहता था। लिव इन रिलेशन में रहते हुए किसी और इंसान को अपने साथ रखना मुझे बहुत अजीब लगा। रिया ने अंकिता पर गुस्सा निकालते हुए कहा, मुझे इस बात का दुख है कि साथ रहने के बाद भी अंकिता कभी भी सुशांत का दर्द नहीं देख पाई। अगर अंकिता उससे प्यार करती थी तो उसने 4 साल में एक बार भी सुशांत से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। अब वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैंने सुशांत को परेशान किया। वो हर जगह झूठ बोल रही है और खुद को एक अच्छी महिला बता रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।